जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो भारत को शेख हसीना को लेकर धमकी दे रहा था, लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश को तगड़ा सबक सिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसने बांग्लादेश को बड़ा झटका दे दिया है। बॉर्डर पर ट्रक रोकने के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत बांग्लादेश से बदला लेना शुरू कर दिया है। अब बांग्लादेश क्या खाएगा और क्या पिएगा, वो तो खाली पेट भिखारी बन जाएगा। शेख हसीना को गिरफ्तार करने को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश के आसपास अपने सभी मिलिट्री बेस पर तैनाती बढ़ा दी है। शेख हसीना को दिल्ली में क्यों नहीं रखा गया, उन्हें योगी के शरण में उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों रखा गया है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, बांग्लादेश के हालात बहुत ही मुश्किल भरे हो गए हैं और आने वाले दिनों में ये और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि वहां से लगातार भारत को धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके तुरंत वापस भेजो। लेकिन भारत बांग्लादेश के सुनने को तैयार नहीं है, बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है और अब सोशल मीडिया पर खबर है कि बांग्लादेश के आसपास सभी भारतीय मिलिट्री बेस पर तैनाती बढ़ा दी गई है। अगर यही स्थिति बनी रही तो बांग्लादेश की नई सरकार को भी सब कुछ संभालने में लंबा समय लग सकता है और अगर उन्होंने भारत के सामने घुटने नहीं टेके तो सरकार चलाने में काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। यहाँ तक कि बांग्लादेश के लोगों को खाना पकाने और घर मकान बनाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश की पूरी गर्दन भारत की मुट्ठी में बंद है। व्यापार के मामले में बांग्लादेश भारत के रहमो करम पर जीता आया है। आइए अब आपको बताता हूँ कि कैसे उत्तर प्रदेश बांग्लादेश के लिए फेफड़ा और हार्ट का काम करता है। दरअसल उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश को सीमेंट, चावल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, चमड़ा, इंजीनियरिंग का सामान और बहुत सा कच्चा माल निर्यात किया जाता है। इस सब की कीमत करीब 700 करोड़ रुपए है। लेकिन अब हिंसा के बाद इन सभी एक्सपोर्ट पर ग्रहण लग गया है। जब से वहाँ तख्ता पलट हुआ है, ये सारा सामान बॉर्डर पर अटका पड़ा है। माना जा रहा है कि भारत ने जानबूझकर ये खेल खेला है ताकि बांग्लादेश की गर्मी निकाली जाए। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गतिविधि को देखते हुए मोदी सरकार बेहद सतर्क है। भारत से बांग्लादेश को 6000 से ज्यादा कमोडिटी एक्सपोर्ट होती है, जिसमें मसाले, कुकिंग ऑयल, सूती कपड़े, गेहूं, सब्जियां, चीनी, फल आदि सब शामिल हैं। एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बांग्लादेश के लिए माई बाप है। उत्तर प्रदेश के बिना बांग्लादेश के घरों में चूल्हा जलना बंद हो सकता है। पूरे बांग्लादेश को अच्छे से पता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश का महत्व क्या है। शायद इसी भावनात्मक कनेक्शन के कारण शेख हसीना को दिल्ली में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पर सुरक्षित रखा गया है, ताकि बांग्लादेश के साथ भावनात्मक रिश्ते में कोई नुकसान ना हो सके। अगर भारत या उत्तर प्रदेश ने एक बार बांग्लादेश का स्विच ऑफ बटन दबा दिया तो पूरा का पूरा बांग्लादेश और उसकी अर्थव्यवस्था मुंह के बल गिर जाएगी। बांग्लादेश से टकराने के बाद भारत का नुकसान थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बांग्लादेश 100 साल पीछे जा सकता है। बांग्लादेश में एक और नई चीज देखने को मिली है। जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ के, वो बेहद कमजोर हैं और आतंकी छात्रों के इशारे पर डिसीजन ले रहे हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये एक ऐसा फैसला है जिससे साबित हो जाता है कि आतंकी छात्र के इशारे पर प्रोफेसर यूसुफ कई खतरनाक निर्णय लेने जा रहे हैं, जो बांग्लादेश को गंभीर संकट में डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस्तीफे के पीछे की एक बड़ी वजह प्रदर्शनकारी छात्रों का दबाव था। आज 10 अगस्त सुबह छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा होकर जजों के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना था कि अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें भी शेख हसीना की तरह कुर्सी से हटा देंगे। यानी कि एक तरह से बांग्लादेश में तालिबान का शासन शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी छात्र अपने इशारे पर पूरी सत्ता को नचा रहे हैं। इन्होंने सरकार से लेकर पूरे के पूरे न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया है। देश में कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, ऐसा सिर्फ तालिबान राज में देखने को मिलता है। छात्रों का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट के जज शेख हसीना के पक्ष में काम कर रहे हैं। यानी कि अगर प्रोफेसर यूसुफ कल छात्रों की कोई बात नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें भी शेख हसीना का एजेंट करार देकर पद से हटा दिया जाएगा। हालात तब और बिगड़ गए जब जजों ने बिना अंतरिम सरकार से पूछे एक मीटिंग बुलाई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारी और नाराज हो गए और उन्होंने 1 घंटे के अंदर जजों से इस्तीफा देने की मांग की। इसी दबाव में चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा। ये दर्शाता है कि बांग्लादेश किस स्थिति में जा चुका है, जहां न्यायपालिका से लेकर सरकार सब के सब खत्म हो चुके हैं
और पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया है। अब आप जान लीजिए कि बांग्लादेश में पुलिस स्टेशन का क्या हाल है। आग से जले इस भवन को देखकर ये समझना मुश्किल है कि ये ढाका के मीरपुर पुलिस स्टेशन की इमारत है। इसकी दीवारें आग से जलकर काली पड़ चुकी हैं। थाने के सामने पुलिस की कुछ वर्दियों, कुछ जोड़ी जूतों और कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट के अलावा दूसरे सामानों का ढेर लगा है। ये तमाम चीज़ें आधी से ज़्यादा जल चुकी हैं। सिर्फ मीरपुर ही नहीं, बांग्लादेश के किसी भी थाने में हिंसा के बाद से ही कोई पुलिस वाला नहीं है। इससे पहले तमाम थानों में एक साथ सभी पुलिस वालों के फरार होने की घटना बांग्लादेश में कभी नहीं हुई थी। तमाम थानों से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद लूट लिए गए हैं। कई पुलिस वालों के पास वर्दी भी नहीं है। कई थानों में बैठने लायक हालत नहीं है। दरअसल टॉप अधिकारियों के इशारे पर पुलिस वालों ने छात्रों और आम लोगों पर बर्बर हमले किए थे। उन लोगों ने मनमाने तरीके से गोलियां चलाई थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। शायद इसी कारण छात्रों में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में उपजे इस गुस्से से वरिष्ठ अधिकारी भी वाकिफ हैं और सबके सब फरार हैं। अब बांग्लादेश में पुलिस का भेष बदलने को लेकर बात चल रही है। पुलिस की वर्दी के रंग को बदलकर कांस्टेबल से लेकर आईजी तक सबके लिए समान ड्रेस कोड तय किया जाएगा ताकि लोगों का विश्वास एक बार फिर से प्राप्त किया जा सके। आगे हम जानेंगे कि बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर से 1971 वाली गर्मी क्यों बढ़ गई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचल्स पर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना भारत में मौजूद हैं और उन्हें गिरफ्तार करके वापस भेजने को लेकर बांग्लादेश की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही है, जिसे देखते हुए दोनों देशों में टेंशन बढ़ गई है और भारत में बांग्लादेश के आसपास मौजूद 12 इंडियन मिलिट्री बेस पर तैनाती बढ़ा दी गई है। अगर बांग्लादेश में ज़्यादा मनमानी की या औकात भूला तो फिर उसे 1971 याद दिलाने में भारतीय सेना को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। शेख हसीना के भारत में रुकने को लेकर भारत के खिलाफ गुस्सा निकालने के लिए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को पीटा जा रहा है। बांग्लादेश से कई हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर भारत आना चाहते हैं। हजारों की संख्या में ये लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंच गए हैं। बंगाल के कूच बिहार जिले के सितालकुची में करीब 1000 बांग्लादेशी एक जलाशय में खड़े होकर BSF से भारत में प्रवेश की इजाजत मांग रहे हैं। आप नीचे कमेंट में बताइए कि उन्हें भारत में प्रवेश करने को लेकर इजाजत देनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF भी सीमा की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। BSF अधिकारियों के मुताबिक अब तक भारत में प्रवेश की कोशिश करने वालों का ये सबसे बड़ा समूह है। कूच बिहार के एक गांव में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे लोगों में इतनी हताशा थी कि वे घंटों तक बाढ़ के पास जलाशय में खड़े रहे। कुछ लोग जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। सरकार ने स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा की घटनाओं ने भारत सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है, इसलिए सीमा पर सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। अल्पसंख्यकों ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को वोट दिए थे। हालांकि चुनाव के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए और शेख हसीना सरकार उन्हें रोक नहीं पाई। अल्पसंख्यक संगठनों ने दावा किया कि हर महीने कम से कम 3 हमले हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।